अस्सलामुअलैकुम। आज जुमा का दिन है तो बराए करम जो जो मेरी ये दुआ सुन रहा है सुनने के साथ साथ आमीन भी कहें और मेरी इस दुआ को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم। तमाम हमद सना रब जुलजलाल के लिए है जिसकी रहमत से ना उम्मीदी नहीं, जिसकी नेमतों से दामन खाली नहीं, जिसकी मगफिरत से मायूसी नहीं और जिसकी रहमतों का फैजान कभी रुकता नहीं। ऐ अल्लाह, तू पाक है, तेरा शुक्र अदा करते हैं इस इकरार के साथ कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू सबसे बड़ा है, तेरा कोई शरीक नहीं और ना ही कोई हमसर है। ज़मीनों आसमान पर जितनी भी मखलूकात हैं तू सबका मालिक है और सबको तू ही पालने वाला है। ऐ अल्लाह पाक, बिला शुबा तू हमसे मोहब्बत करता है, यही वजह है कि तूने हमें ईमान की दौलत से नवाजा और हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। या अल्लाह, अपने प्यारे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमारी ज़िंदगियों को पुरसकून और आसान बना दे। या इलाही, हम सब के गुनाह माफ़ कर दे, हम सब को आबिद और सहर खेज़ बना दे, हम पर राज़े शोख आश्कार कर दे, हमें ग़ुलामी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरफराज कर दे, हमारे दिलों की वीरान बस्तियों को अपनी रहमत से आबाद कर दे और हमें उस रास्ते पर चला, उस रास्ते पर हमेशा कायम रख जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है। या अल्लाह पाक, हम सब को सच्चे पक्के दिल से तौबा करने की तौफीक नसीब फरमा दे। ऐ रब्बी रहीम, हम गुनाहों के दलदल में डूब गए हैं, हम बदकारियों की मस्तियों में गिरे पड़े हैं, हम मायूसियों के अंधेरों में भटक रहे हैं, रहमत इलाही से खुद ही रूठ गए हैं। ऐ अल्लाह, हम निदामत के आंसुओं से ना आशना हैं, हम एक सच्ची तौबा के तलबगार हैं। ऐ अल्लाह पाक, अपनी रहमत से हमें वो सच्ची तौबा अता फरमा दीजिए। ऐ पाक परवरदिगार, हमें, हमारे वालिदैन को, हमारे अहलो अयाल को और हमारे आबाओ अजदाद और हमारी आने वाली नस्लों को अपनी आफियत अता फरमा, हम सब को बेहिसाब रिस्क अता फरमा, हम सब को हासिदों के हसद से बचा। ऐ दो जहानों के मालिक, जब हम थक जाएं तो हमें आराम पहुंचाएं, जब मुश्किलें बढ़ जाएं तो आसानी बन जाना और जब हम कमज़ोर पड़ जाएं तो तू हमारी ताकत बन जाना, जब हम दुख और तकलीफ़ में हों तो तू हमारा मरहम बन जाए, तो तू हमारा मरहम बन जाना, जब हम मायूस हो जाएं तो तू हमारा भरोसा और यकीन बन जाना, जब हम भूख से निडाल हो जाएं तो तेरी याद ही हमारी ग़िज़ा बन जाए, जब हर तरफ बेचैनियाँ भर जाएं तो ऐ पाक परवरदिगार तू हमारा सुकून बन जाना, जब हमारे अंदर मायूसी का अंधेरा भरने लगे तो तू उम्मीद की रोशनी बन जाना, जब हर चीज़ हमारे लिए नामुमकिन हो जाए तो हर चीज़ को अपने ख़ास फजलो करम से मुमकिन बना देना। ऐ अर्ज़ो समा के मालिक, तू गफूर है, तू रहीम है, हम सब के तौबा को कबूल फरमाना, हमारे गुनाहे सगीरा व कबीरा को धो दे, हमारे दिलों को हिदायत दे, हमारी ज़ुबान को दुरुस्तगी और नरमी अता फरमा और हम सब को गुनाहों से बचा और हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, जिस तरह तू बारिश बरसा कर सूखी ज़मीन की प्यास बुझाता है उसी तरह अपनी रहमत से हमारे दिलों को भी सैराब कर दे, बेशक तू बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। ऐ पाक परवरदिगार, हम सब को हर उस नेमत से सरफराज फरमा जिसमें हमारे लिए खैर व बरकत हो, इज्जत व वखार हो, राहत व सुकून हो, सेहत और तंदरुस्ती हो, तरक्की व खुशहाली हो और दुनिया व आखरत की भलाई हो। ऐ अल्लाह, हमारी जिंदगियों को मोहब्बत का उनवान बना दे कि हम सबसे ज़्यादा तुझसे मोहब्बत करें, तुझको फौकियत दें,
तेरी इबादत करें, तेरा हुक्म माने, तेरे बताए हुए रास्ते पर चलते रहें, यहाँ तक कि हमारी जिंदगी तमाम हो जाए और तू हमें अपने नूर से ढांप ले, वो नूर जो हमारे सीनों को मुनव्वर कर दे, वो नूर जो खबर को रोशन कर दे, वो नूर जो पुल सिरात पर रोशनी बन जाए। ऐ हमारे रब, हमको भी उन खुश नसीबों में शामिल फरमा जिनकी तौबा तू कबूल करता है, जिनके गुनाहों को तो अपने फजलो करम और रहमत से नेकियों में तब्दील करता है। या अल्लाह, हमारे पास अमल कोई नहीं है और हमें सिर्फ तेरी रहमत का आसरा है। या परवरदिगार, हमें अपनी रहमत में ढांप ले। ऐ बुलंदियों के बादशाह, ऐ रब्बे कायनात, हमारे दिल और हमारे कदम अपनी रजा की तरफ फेर दे। या अल्लाह, हमें वो अकल दे जो तस्लीम रजा में जाए, हमें वो दोस्त दे जो मंजिल तक हमारा साथ दें, हमें वो नस्बतें अता फरमा जो तुझे मंजूर हैं। या अल्लाह, अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारी दिलों में मोहब्बत अता फरमा। या अल्लाही, इस दौर में और आने वाले दौर में हम सब पर मेहरबानी फरमाना। ऐ अल्लाह, हमारे दिलों को गफलत से दूर कर दे और हमें आखरत की तैयारी की फिक्र अता फरमा। इस दुनिया में और इस ज़िंदगी में अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताबेदार और मुती हमको बना दे, ताकि क़यामत में ज़िल्लत और रुसवाई ना हो। या अल्लाह, अपने मोमिन और मुखलिस लोगों के साथ हमारा हशर फरमाइए और दोज़ख के अज़ाब से हम सबको अपनी पनाह में रखना। ऐ पाक परवरदिगार, हमको आमाल सालिहा की तौफीक अता फरमा और हमसे वो काम ले जिससे तू राजी हो, और उन सब कामों से बचा ले जिनसे तू नाराज़ हो। या अल्लाह, शैतान की गुमराहियों से हम सब को निजात दे, कामिल तौर पर महफूज रख। ऐ रब्बे करीम, हमारे हाथ तेरे सामने फैले हैं, उनको अपनी शान के मुताबिक खैर व बरकत और दुनिया व आखरत की हर तरह की भलाई और कामयाबी से भर दे। ऐ अल्लाह, हमें हर वो चीज़ अता फरमा जिसकी हमें ज़रूरत है। अल्लाह पाक, हमको अपने सिवा किसी का मोहताज ना करना। ऐ बहुत बड़ी शान वाली, हमें बाइज्जत और बेहतरीन सेहत के साथ उम्र तवील अता फरमाना और हमेशा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखना। या अल्लाह, खाविंद और बीवी को एक दूसरे के हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमाना, औलाद को वालिदैन का फरमा बरदार बना दे, भाई भाई से नाराज़ है उनकी आपस की नफ़रतें ख़त्म कर दे। ऐ मालिक, जो बच्चे बिगड़े हुए हैं उनको राह रास्त पर चलने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमें जिन लोगों के हुकूक देने हैं या हमने जिनकी गीबत या चुगली की है, उन्हें अपने बारगाह में से इतना दे और ऐसी जजा व सज़ा से नवाज दे कि रोज़े क़यामत उन्हें हमसे बदला लेने की तरफ तवज्जो ही ना हो। ऐ पाक परवरदिगार, हमारे वालिदैन को सलामत रख, सेहत व तंदरुस्ती के साथ तमाम ज़ौजैन में मोहब्बतें बनाए रख, और जिनके दरमियान नाराज़गी है उसे दूर कर दे। या इलाही, जो बे औलाद हैं, औलाद की नेमत के लिए तड़पते हैं, उन्हें नेक और सौले औलाद अता फरमा। या इलाही, जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, जो बेटे और बेटियां रिश्तों की आस में बैठे हैं, अपने गैब के ख़जानों से ऐसे वसीले और ज़रिए बना दे कि उन सब को नेक शरीक हयात मिले। या अल्लाह, जो मुसलमान परेशान हाल हैं, मुसीबत में हैं, मुश्किल में हैं, तंगी में हैं, अपनी लामहदूद रहमत व मेहरबानी में से उनकी तमाम तर परेशानी, मुश्किल, मुसीबत और तंगी को दूर फरमा दे। ऐ पाक परवरदिगार, हम सब को ऐसा बना दे कि हम तेरे बंदों की मदद करें, तेरे बंदों को आसानियां दें, तेरे बंदों से नरमी करें, तेरे बंदों से मोहब्बत करें, हम दूसरों की ज़िंदगियों को जहन्नुम बनाना छोड़ दें। ऐ पाक परवरदिगार, हमें और हमारे प्यारों को इतना ताकत जितनी तेरी शान है। या रहीम, हमें और हमारे प्यारों के इतने गुनाह माफ़ फरमा जितना तू रहीम है। या रहमान, हमारी और हमारे प्यारों की इतनी मुश्किलें आसान फरमा
जितना तू रहमान है। या रसाक, हमारे और हमारे प्यारों को इतना कुशादा रिस्क अता फरमा जितना तू रजाक है। ए पाक परवरदिगार, हम सवाल करते हैं तुझसे खुशगवार जिंदगी का, अच्छी मौत का और ऐसी वापसी का जो जिल्लत और रसवाई से खाली हो। हमें किसी पर बोझ ना बनाना। ऐ अल्लाह, हमें अपने खजानों से अता फरमाना, हमें लाचारी, माजूरी और बेबसी से बचाना। ऐ पाक परवरदिगार, जिस तरह तू रात को दिन में बदलता है, इसी तरह हमारी मुश्किलात को आसानियों में, हमारी बीमारियों को तंदुरुस्ती में और हमारी नफरतों को मोहब्बतों में, गम को खुशी में बदल दे। ऐ रब्बे करीम, तमाम बीमारों को सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा, तमाम बेरोज़गारों को अच्छा रोज़गार अता फरमा, तमाम गरीबों और मिस्कीनों की गैबाना मदद फरमा और ज़रूरतमंदों की तमाम ज़रूरतें और मुरादें पूरी अता फरमा। जो बेघर हैं उनको आफियत वाला घर अता फरमा। ऐ मेहरबान रब, हमारे वालिदैन को बुढ़ापे से लेकर मौत की आखिरी हिचकी तक फिक्रे मौश और तंगी रिस्क से महफूज फरमा दे। उनको उम्र के इस हिस्से में किसी का, खुसूसन अपनी औलाद का मोहताज ना फरमाना। बेशक इज्जत और जिल्लत तेरे ही इख्तियार में है। ए आलाउल आलमीन, हमारी औलादों को हर बुराई से बचा कर रखना, हर दुख तकलीफ जानलेवा बीमारी से उनकी हिफाजत फरमाना, वाफे तैयब रिस्क हिलाल अता फरमाना, उनकी शख्सियत में मौजूद हर खामी का अजाला फरमाना, उनको आफातों बलियात में कभी मुब्तला न फरमा, हासिदों के हसद और शरीरों के शरर से उनकी हिफाजत फरमा। ऐ रब्बे जुलजलाल, हमारी नींद को राहत, हमारे जागने को बरकत, हमारी दुआओं को कबूलियत अता फरमा, हमें सुकून कल्ब की दौलत और हादसात से अमान अता फरमा, हम सब को सेहत के खजानों के साथ सलामत रख। या अल्लाह पाक, हमारे ऐबों पर पर्दा डाल दे, हमारी परेशानियों, मुश्किलों, मुसीबतों, गमों, दुखों को सुकून, राहत, खुशी और खुशहाली में बदल दे। ऐ पाक परवरदिगार, हमें नहीं मालूम कि हमसे वाबस्ता रिश्तों और दोस्तों को क्या क्या मुश्किलात हैं, पर तू तो सब जानता है। या अल्लाह, उन सब की मुश्किलों को आसान फरमा, उन सब को वो सब अता फरमा जिनकी उनको ज़रूरत है, और उनको ज़िंदगी भर की खुशियाँ और कामयाबियाँ अता फरमा। या अल्लाह, हमारी ये हाथ हमेशा तुझसे मांगने वाली हों और दूसरों को देने वाली हों। ऐ अल्लाह, पाकिस्तान से लेकर जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं, खुसूसन फ़लस्तीन के मुसलमान, ऐ अल्लाह उन सब पर तू रहम फरमा। ऐ अल्लाह, उनके ऊपर जो इसराइलों का जो जुल्म हो रहा है, अल्लाह ताला उनसे उनकी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, उन सब बुजुर्गों को, बच्चों को, मर्दों को, औरतों को अपने अमान में रख। या अल्लाह ताला, उन सब पर अपना खुसूसी करम फरमा। ऐ अल्लाह, इस जुमा के सदक़े उनकी तमाम तर परेशानियों को, तकलीफ़ों को दूर फरमा। ऐ अल्लाह, उन सब की हिफाजत फरमा। आमीन सुमामी या रब्बल आलमीन। या अल्लाह, जिन जिन लोगों ने भी मुझे दुआ के लिए कहा है, मेरी YouTube की वीडियोस के कमेंट्स में या मेरी Instagram के मैसेज बॉक्स में, अल्लाह ताला तो उन सब की परेशानियों को हल फरमा, उन सब की जायज़ दिली मुरादों को पूरा फरमा और उन सब की तमाम हाजतों को कबूल व मकबूल फरमा, उन सब की दुआओं को तो कबूलियत का शर्फ अता फरमा। आमीन सुमामी।